बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में आज 38वें दिन की सोमवार को सुनवाई हुई और एक हफ्ते के बाद जब कोर्ट में अपनी दलीलें राजीव धवन जी ने रखी तो कुछ तीखी नोकझोंक होते हुए दिखाई दी और कोर्ट के अंदर का आज के दिन माहौल कैसा था, उन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फराह हाशमी, जिनसे जानेंगे कि आज 38वें दिन के अंदर कोर्ट का माहौल कैसा था और जो एक सवाल, कई सारे सवाल खड़े हुए, उन सवालों के जवाब। जैसे कि पहला सवाल एडवोकेट फराह हाशमी, राजीव धवन जी ने रखा कि हमसे ही सवाल क्यों, हिंदू पक्ष से सवाल क्यों नहीं, तो इस पर जजेस का क्या रिएक्शन था जो सामने लोगों के आया? जी, आज कोर्ट में काफी गर्मा गर्मी का माहौल था क्योंकि आज आखिरी दिन था मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें रखने का। तो डॉक्टर धवन ने काफी चिल्ला के ऐसे बोला कि हमसे ये सारे सवाल क्यों किए जाते हैं, हिंदू पक्षकारों से सवाल क्यों नहीं किया जाता। जो मस्जिद की बात कर रहे हैं, जब 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद गिराई गई, जिस ढांचे में गिराई गई, हमें 5 दिसंबर की जो स्थिति थी, 5 दिसंबर 1992 में मस्जिद जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में हमें वापस मस्जिद सौंपी जाए, तो इस तरह के सवाल जब डॉक्टर धवन ने जजेस से पूछे तो हिंदू पक्षकार के लोग काफी गुस्सा हो गए कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हमसे भी नहीं सवाल किए जाते, हमसे ये कहा जाता है कि मंदिर तोड़कर उनने मस्जिद बनाया। तो डॉक्टर धवन ने उनका रिप्लाई करते हुए कहा कि ऐतिहासिक सबूत हमने ऐसे दलीलें रखी हैं जहां पे ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है कि मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाया गया है। उनने सबूत पेश भी किए हैं, मैंने आपको बताया भी है कि किस तरह से उनने प्रूफ किया है, कई तरह के विटनेसेस, ऐसे दस्तावेज, और जो जजमेंट आया था हाईकोर्ट का उससे काफी रेलेवेंट पैराग्राफ लेके हमने ये बताया कि कहीं भी ऐतिहासिक ले लो या ट्रैवलर्स या जितने भी विटनेसेस हैं उनकी बयान से भी कहीं ऐसा सिद्ध नहीं होता दिखाई दिया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। अगर एडवोकेट फराह हाशमी बात की जाए तो कई सारे सवाल आज पूछे गए, उनमें से 7 सवालों की जो लिस्ट है वो हमारे पास है। पहले सवाल का जवाब आपने दिया, तो आज कोर्ट में एक सवाल और दिखा कि राजीव धवन और सीएस वैद्यनाथन दोनों ने लिखित दलीलें कोर्ट को दी हैं, वो दलीलें क्या थी जो दोनों ने कोर्ट में आज दी हैं? जी, डॉक्टर धवन ने कोर्ट को एड्रेस करते हुए ये कहा कि हमें बहुत ही कम समय मिला है अपनी दलीलें रखने का, और इसीलिए मैं, क्योंकि अब घड़ी आ गई है दलीलें खत्म होने की, तो उनने कहा कोर्ट को कि अगर हमें और समय मिलता तो हम कई और ऐसे सबूत या दस्तावेज लाते जिससे ये प्रूफ होता कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया, क्योंकि मस्जिद तो हमेशा था ही। मस्जिद वो जो जमीन थी, वो जमीन वक्फ बोर्ड की थी अंग्रेजों के जमाने से, तो वो और भी ऐसे सबूत दिखाते अगर उनको समय दिया जाता। और उनने कोर्ट से कहा कि अब क्योंकि समय की कमी है, तो दोनों ही पार्टीज ने अपने रिटर्न सबमिशन सबमिट किए कोर्ट में। मैम, अगर बात की जाए तो सीएस वैद्यनाथन ने जो दलीलें दी वो क्या दलीलें थी और क्या कोर्ट में उन्होंने कुछ कहा है? जी, वो क्योंकि लिखित है तो उन्हें बस सबमिट कर दिया, क्योंकि लिखित है तो वो तो सिर्फ जजेस ही पढ़ पाएंगे, और उन्हें पढ़ के नहीं बताया कि वो क्या दलीलें रख रहे हैं, क्योंकि हमें तो डॉक्टर धवन की दलीलें मैं आपको दिखाई बता चुकी हूँ, और वो आज भी काफी दलीलें ऐसे प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय की इतनी कमी हो रखी है, और चीफ के जब एकदम स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स है कि 17 अक्टूबर के बाद वो इस बाबरी मस्जिद नहीं सुनेंगे, तो इसीलिए समय की कमी के कारण वो उन्हें रिटर्न सबमिशन फाइल किए। तो आज क्या दलीलें पूरी दे पाए राजीव धवन या नहीं दे पाए, और कोर्ट ने कोई अंतिम दिन दिया है कि मतलब आज मुस्लिम पक्षकार की मान लिए जाएंगे दलीलें खत्म हो चुकी हैं? जी, डॉक्टर धवन ने कहा कि अगर समय होता तो और भी दलीलें वो दिखाते हैं, तो वो काफी इंटरेस्टिंग होता अगर और टाइम दिया जाता कोर्ट की तरफ से,
तो वो और अच्छी और दलीलें दिखा के और प्रूफ करते हैं चीजों को, लेकिन अब जब टाइम बाउंड हो चुका है और जब फैसले की घड़ी आ चुकी है, तो जितने भी उन्हें सबूत दिखाए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, और उससे अदर साइड को भी ये समझ में आ रहा है कि जो उन्हें सबूत दिखाए हैं और जो मुस्लिम साइड के लोग ने सबूत दिखाए हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो उन्हें भी ऐसा नहीं है कि हिंदूज पार्टी ने भी दलीलें रखी हैं, लेकिन वो अब बात को घुमा फिरा के करते हैं। आज लिमिटेशन एक्ट की बातें हुई और जमीन के टाइटल सूट की बात हुई है कि क्या कभी 1989 के बाद कभी हिंदू साइड ने टाइटल सूट का क्लेम नहीं किया, और जब 1885 में जब पहला सूट फाइल हुआ तो ये सूट खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वो जमीन हमेशा ही वक्फ बोर्ड की रही है, और जब वहां से वो और मुस्लिम हमेशा पोजीशन में रहे क्योंकि वहां पे नमाज होती आई है, और जब हिंदू साइड ने ये बातें रखी कि जो राम चबूतरा है वो राम जन्म का स्थान है और वहां पे जो पूजा की जाती है वही राम का जन्म स्थान है, और वहां पे तो वो जो जमीन है वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो हिंदू साइड वो ही क्लेम कर रहे हैं कि वही जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो राम का जन्म स्थान है, लेकिन ऐसा ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल जो वो है कोई सबूत नहीं दे पाए जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो गुम्बद के नीचे ही वो लोग पूजा करते थे। और अगर मैं इधर ये सवाल देना चाहूँ कि केंद्रीय गुम्बद के नीचे राम का जन्म नहीं हुआ, राजीव धवन जी ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं के वहीं फूल चढ़ाने के कोई सबूत भी नहीं है, तो क्या हिंदू पक्ष इस तरफ की कोई दलील दे पाया जो राजीव धवन जी ने आज साफ तौर पर ये कह दिया? जी हाँ, डॉक्टर धवन ने कहा कि वो गुम्बद के नीचे पूजा करते थे, और जब पूजा करते थे तो श्रद्धालु का प्रसाद चढ़ाना या फूल चढ़ाने का कोई सबूत कभी सामने नहीं आया, तो जब वो पूजा करते थे तो वो जबरदस्ती क्यों घुसाए, वो गुम्बद के नीचे ट्रेसपासिंग क्यों की? इसलिए जबरदस्ती घुसाए क्योंकि उनका वो पोजेशन का एरिया नहीं था, और क्योंकि मुस्लिम्स पोजेशन 1885 से रहा है और हिंदूज उसको बाद में क्लेम कर रहे हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो उनका ही वो टाइटल सूट है? अगर देखा जाए तो एक सवाल ये भी आया कि कभी भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, वहां लगातार नमाज होती रही है, और इसी के साथ जो सवाल खड़ा हुआ उन्होंने अपनी बात को अंत कहा कि हिंदू पक्ष के पास दिखाने को सबूत नहीं है, तो क्या कोर्ट का रिएक्शन था और जो हिंदू पक्ष का रिएक्शन क्या था उस समय पर? जस्टिस बोबड़े और जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल किए कि सिर्फ एक मलिकाना हक से ये मुस्लिम्स के पास अगर मलिकाना हक है तो उसे ये प्रूफ नहीं कर सकते कि वो जो जमीन है वो सिर्फ मुसलमानों की है, हिंदू पक्षकारों को ऐसे सबूत दिखाने पड़ेंगे या उन्हें ऐसे सबूत दिखाए हैं कि जिससे उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर पूजा होती थी, लेकिन वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो पूजा राम चबूतरे का बाहरी आंगन है, उसके अंदर पूजा होने का दावा कर रहे हैं हिंदूज, जो कि पूजा की जाती थी वो बाहर है, क्योंकि वो जो मैनेजमेंट का मलिकाना हक तो कभी हिंदूज पार्टी का था ही नहीं, वो जो उनको सिर्फ मैनेजमेंट का राइट था, पूजा करने का राइट था, और जो पूर्वी गेट था, जो पूर्वी गेट से मुस्लिम्स एंटर होते थे और वहां से नमाज पढ़ते थे जब दंगा फसाद हो गया, तो ऐसे कोई भी सबूत सामने नहीं आए जिससे ये पता चले कि जो गुम्बद है वो गुम्बद में वो लोग पूजा कर रहे हैं जब से टाइटल सूट क्लेम किया है। तो मैम अगर देखा जाए तो आज पूरी दलीलें खत्म हो चुकी हैं और मुस्लिम पक्षकार के पास सबूत इतने हैं, वो सबूत भी पूरी तरीके से रख नहीं पाए, तो क्या अभी मुस्लिम पक्षकार को एक दिन का समय और मिल सकता है अभी? जी अब गुंजाइश नहीं है क्योंकि चीफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि वो एक दिन का भी एक्स्ट्रा समय नहीं देना चाहेंगे, और क्योंकि आज डॉक्टर धवन का लास्ट आर्गुमेंट था और कल सिर्फ रिप्लाई देने का ही टाइम है, सिर्फ 2 दिन, तो 17 तक क्योंकि सब टाइम वक्त की कमी की वजह से वो सबूत और नहीं रख पाए, तो जो भी जितने भी सबूत उन्होंने सामने रखे हैं
उसी के बेसिस पे कोर्ट अपना डिसीजन लेगी। मैम इसी के साथ अगर देखा जाए तो आज सातवां सवाल बहुत अहम देखा गया, जो राजीव धवन जी ने अपनी बात का अंत किया, हिंदू पक्षकारों के पास दिखाने को कोई सबूत नहीं। इस सवाल के बाद किस तरीके का रिएक्शन जजेस का था और क्या हिंदू पक्षकारों का रिएक्शन था? जी, डॉक्टर धवन ने जब अपना आर्गुमेंट कंक्लूड किया तो उन्होंने पूछा कि संस्कार और ये रीति रिवाज और ट्रैवल विटनेसेस ये सब चीजों से ये प्रूव नहीं होता कि वो भूमि उनकी है, तो इस तुमने ऐसे सबूत कोर्ट को पेश करने चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि वो भूमि उनकी है। खैर ये तो कोर्ट का काम है कि वो क्या डिसाइड करती है कि भूमि किसकी है, लेकिन हमारे सामने या कोर्ट के सामने तो इस ऐसे सबूत नहीं आए जिससे ये प्रूव हो सके कि उनके नाम की जमीन है, उनकी टाइटल सूट है। मैम अगर देखा जाए तो कोर्ट के अंदर की आज 38वें दिन की हमने बात की और 38वें दिन शुरू होने से पहले जब अहम दिन पर आ चुके हैं, अंतिम निर्णय के पास पहुंच ही रहे हैं, तो अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोर्ट का इस पर क्या रिएक्शन था, क्या माहौल था धारा 144 को लेकर के? जी, कोर्ट में तो इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई, लेकिन हाँ न्यूज में आ रहा है कि 144 लग गई है और वहाँ का जो माहौल है, और होना भी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा फैसला अब सामने आने वाला है और क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो सिक्योरिटी को लेकर आम जो जनता है वहाँ पर उनको लेकर, और दिवाली का समय है क्योंकि अयोध्या में ये कहा जाता है कि राम लौटे थे और राम लल्ला जब लौटे थे तो उनके नाम पे दीप जलाए जाते हैं जब दिवाली का जब त्यौहार आता है, तो वो सब चीजों को ध्यान रखते हुए 144 लगाई। और लोकल जो वहाँ के जो कमिश्नर हैं उन्होंने ये कहा कि त्यौहार और जितने भी इस तरह की झांकियां हैं जो दिवाली के समय निकाली जाती हैं उन पे 144 का कोई असर नहीं होगा। तो इसी बात पे मुस्लिम्स के जो लोग हैं, कोई हाजी करके थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने बोला कि अगर दीप अगर जलाए जाएंगे तो नमाज भी पढ़ी जाएगी, तो कमिश्नर्स को ऐसे ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए कि जहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़े का माहौल हो। इसको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 144 लगाई गई है 10 दिसंबर तक, तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो 38वें दिन का आंखों देखा हाल लेकर के कोर्ट के अंदर के माहौल की हर बारीकी से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद थी एडवोकेट फराह हाशमी, जिन्होंने ये बताया कि आज मुस्लिम पक्षकार की दलीलें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं और मुस्लिम पक्षकारों के पास इतने सबूत थे कि वो पूरे सबूत भी कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर पाए हैं। अब बीते 2 दिन तक हिंदू पक्षकारों की दलीलें रखी जाएंगी और फिर 1 दिन बहस के लिए दिया जाएगा हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों को, और 17 नवंबर जो तारीख तय कर दी गई है इतिहास के पन्नों में वो कैद हो जाएगी कि फैसला जजेस क्या देंगे और सबूतों के आधार पर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उससे यकीनन कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद के लिए कुछ संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं।